नमस्ते, मैं हूं इंद्रानी और आप सभी को फिर से एक बार मेरे चैनल पे स्वागत करती हूं। आज मैं बना रही हूं मसाला छाछ। इससे सेहत और स्वाद दोनों मिलता है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक मसाला छाछ सभी पसंद करते हैं। तो आइए बनाते हैं मसाला छाछ और ज़रूरत की सामग्री भी एक बार देख लेते हैं। ये 200 ग्राम दही लिया है। दही मैंने घर में ही बना के लिया है, बाजार का नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से घर में कैसे दही बना सकते हैं जल्द से जल्द, मैंने मेरे चैनल पे रखा है, आप लोग चाहिए तो देख सकते हैं। कुछ धनिया के पत्ते लिए हैं, करीबन 1 टेबलस्पून लिया है। कुछ पुदीना के पत्ते लिए हैं, 1 टेबलस्पून। मैंने धो के रखा है, अभी तक काटा नहीं है, काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग ये सब ग्राइंड करेंगे। 1 छोटा चम्मच चीनी लिया है। चीनी ऑप्शनल है, आप लोगों को पसंद नहीं है तो नहीं डालेंगे, तो भी बटर मिल्क या छाछ अच्छा ही बनेगा। काला नमक लिया है, 1/2 चम्मच लिया है। ये नॉर्मल सॉल्ट जो घर में हमेशा हम खाते हैं वो सॉल्ट लिया है। 2 चुटकी लिया है, ये ज़्यादा लेना नहीं है क्योंकि हम काला नमक भी इस्तेमाल करेंगे। नमक ज़्यादा ना हो इसका ध्यान रखिए, स्वाद अनुसार नमक डालिए। ये लिया है काली मिर्च पाउडर, 1 चुटकी भर लिया है। ये भी ऑप्शनल है, इससे थोड़ा सा स्वाद और फ्लेवर अच्छा आता है, इसीलिए मैंने लिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है भुना जीरा पाउडर, ये लिया है मैंने 1 छोटा चम्मच। बहुत आसान है भुना जीरा बनाना, घर में आप आसानी से बना सकते हैं। तवा गर्म करके 2 मिनट के लिए जीरा को रोस्ट कर लीजिए, अच्छे से भून लीजिए, काफ़ी अच्छा स्मेल आएगा 2 मिनट में। और उसके बाद आप ग्राइंड कर लीजिए, ये तैयार हो जाएगा। छाछ बनाने के लिए ये मेन इंग्रेडिएंट्स है। भुना जीरा से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, पेट के लिए भी काफ़ी अच्छा है, हम सभी जानते हैं। आइए बनाना शुरू करते हैं मसाला छाछ। एक ग्राइंडर लेंगे, इस पे पुदीना के पत्ते और धनिया के पत्ते डाल के अच्छे से बारीक पीस लेना है। इसके ऊपर अभी दही ऐड करेंगे, साथ में स्वाद अनुसार चीनी ऐड करेंगे, काला नमक, रेगुलर नमक, काली मिर्च पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर थोड़ा सा ऐड करेंगे। और इसे फिर से अच्छे से एक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, दही, पुदीना, धनिया के पत्ते और मसाले काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसे इस पे ये ऐड कर लेंगे। अभी ग्राइंडर को अच्छे से धो के, ये जो ठंडा पानी मैंने ऐड किया है, ग्राइंडर को धो के वही पानी ऐड करेंगे क्योंकि ग्राइंडर में काफ़ी कुछ लगा हुआ है, मसाला और दही। ये ठंडा पानी हमने ऐड किया। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड करेंगे क्योंकि ग्राइंडर में हमने जीरा पाउडर कम डाला था। अभी इसके ऊपर जीरा पाउडर ऐड करेंगे, भुना हुआ जीरा पाउडर, और अच्छे से कुछ टाइम तक इसको अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ठंडे पानी के साथ दही के मिश्रण को अच्छे से मिला दिया है। मसाला छाछ बन के तैयार है। अभी 2 ग्लास लेंगे और इस पे अच्छे से इसको परोसेंगे। अभी ग्लास में इसके परोसने के बाद थोड़ा सा ऊपर से जीरा पाउडर डालेंगे, इससे गार्निशिंग भी हो जाएगा, स्वाद भी बढ़ जाएगा। ये देखिए, और कुछ पुदीना के पत्ते रख लेंगे। फ्रेंड्स, मसाला छाछ बनके तैयार है। मैंने आप लोगों के सामने बहुत ही कम समय पे झटपट बनने वाला ये मसाला छाछ बना के आज दिखाया। आई होप आप लोगों को मेरा ये रेसिपी काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो जल्द से जल्द ये रेसिपी फॉलो करके आप घर में मसाला छाछ बना के देखिए, पीजिए, और आप लोगों का अनुभव मेरे साथ कमेंट द्वारा शेयर करना मत भूलिए। मैं अपेक्षा रखती हूँ आप लोगों को मेरा ये ड्रिंक्स काफ़ी अच्छा लगा हो, तो एक लाइक ज़रूर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे चैनल के बारे में शेयर करना मत भूलिए। आज समय निकाल के आप लोगों ने मेरा ये रेसिपी देखा, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ।